दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों जैसे कल जो वीडियो आया था हमारा कि आर्किटेक्ट प्लान पे कितना खर्चा आया था, तो उसी में मैंने पूछा था कि लेबर चार्जेस पे वीडियो बनाओगी नहीं, तो आज का वीडियो उसी पे है। कमेंट आए थे काफी, तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको वीडियो पूरी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग स्टील स्ट्रक्चर कंक्रीट जितने भी घर के काम होते हैं उसमें लेबर का खर्चा कैसे निकालते हैं, और लेबर का खर्चा मैं जो बताने वाला हूं आपका उस खर्चे में हम काम करवा चुके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक 1000 स्क्वायर फीट का घर का काम करवाया था, उसमें था डुप्लेक्स था, वो ग्राउंड प्लस एक फ्लोर ऊपर था, तो उसमें 3 BHK रहने वाला था वो, तो उसमें टोटल कितना खर्चा आया था वो हमने लिया था 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लिया था, 1400 पर स्क्वायर फीट। उसमें इतना ज्यादा खर्चा क्यों था, उसमें एलिवेशन थी, जो एलिवेशन काफी ज्यादा थी एलिवेशन की वजह से, और कुछ चीजें थी इंटीरियर वगैरह, तो उसकी वजह से 1400 रुपया, बाकी आपको 1200 से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, तो 1000 × 1400 किया तो एक का आ गया 14 लाख रुपया ग्राउंड फ्लोर का। और सेम मैंने ऊपर का ले लिया क्योंकि उतना ही एरिया था और उसमें थोड़ी एलिवेशन थी, लेकिन ऊपर का कम आता थोड़ा, लेकिन उसमें एलिवेशन के कारण सेम आया, तो मतलब G+1 1000 स्क्वायर फीट 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा 2.5 लाख रुपया उसमें खर्चा आया था। टोटल हमने उसको की पकड़ा दी थी, मतलब पूरा फिनिशिंग से लेके डोर तक लगा के सब कुछ लगा के, उसमें इंटीरियर को छोड़ के सब, बाकी पेंटिंग प्लास्टरिंग डोर विंडो सब कुछ करके प्लम्बिंग सब लगा के कितना 28 लाख रुपये में वो घर डुप्लेक्स G1 तैयार हो गया था। अभी उसमें लेबर चार्जेस क्या रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम नीचे अर्थवर्क से स्टार्ट करते हैं, नीचे हमारी एक्सकवेशन वगैरह हुई थी, तो देखो मैंने सब ले लिया है, जो ये एंड का प्राइस है वो बेसिकली उससे 1-2 रुपया कम था हमारा, बाकी ये था, बाकी स्टेट्स के भी कवर हो जाएंगे इसमें। अर्थवर्क और एक्सकवेशन का कितना खर्चा आता है, 8 से 12 रुपये पर क्यूबिक फीट, जितनी भी आपकी मिट्टी निकालनी रहेगी ना तो उसका क्यूबिक फीट निकाल देना है, तो 8 से 12 रुपये क्यूबिक फीट रहेगा। अगर कंक्रीट प्रोवाइड मतलब डालने का जो खर्चा रहता है, मतलब जैसे कॉलम हो गया बीम हो गया स्लैब हो गई, तो अगर फुटिंग की बात करें तो 12 से 15 रुपये पर क्यूबिक फीट उसका खर्चा रहता है, लेबर चार्जेस जो रहते हैं, ये लेबर चार्जेस बता रहे हो, मटेरियल इसमें नहीं है, सिर्फ लेबर का खर्चा इसमें हो रहा है। और इससे आप इजिली निकाल सकते हो, अगर फुटिंग आपकी है 10 m³ की तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है, तो इससे आपकी खर्चा निकल आएगा। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो 20 से 30 रुपए पर क्यूबिक फीट हमारा खर्चा रहने वाला है। अगर कॉलम हमारा होगा कि 400 क्यूबिक फीट के हमारे कॉलम है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारा सीधा निकल आएगा, हमारा कितना लगेगा 8000 रुपए लगेगा, या जितना भी आपका कैलकुलेशन इससे कर सकते हो, तो ये लेबर चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। प्लिंथ बीम का, प्लिंथ बीम की बात करूं तो उसमें 12 से 15 रुपए पर क्यूबिक फीट खर्चा लेती है लेबर, लेबर का चार्जेस। स्टेयर केस की बात करें उसमें ज्यादा रहता है, थोड़ा डालना वाला वाइब्रेटर मारना और सीढ़ी की राइजर में डालना तो दिक्कत रहती है, तो 30 से 40 रुपए पर क्यूबिक फीट उसका रहता है। फिर मैं बात करूं सरिया का काम, जो स्टील स्ट्रक्चर हो गए आपकी स्लैब का, सरिया स्टेयर केस का बीम का छज्जा का लिंटल का, तो उसका क्या खर्चा रहता है, देखो टन के हिसाब से लेते हैं, कई जगह तो स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन टन के मोस्टली लेते हैं, तो हमने जो दिया है पर टन पर मीट्रिक टन ये कितना लेते हैं, 4500 से 5500 रुपया मीट्रिक टन लेता है। बेसिकली 4500 रुपये में आपको काफी मिल जाएंगे, जिसमें स्लैब का भी वो बांध देगा, बीम का भी, कॉलम का भी, प्लिंथ बीम का भी, और बाकी छज्जा और लिंटल का थोड़ा कम रहता है क्योंकि उसमें इतना और नहीं रहता, तो उसमें 3500 से 4000 रुपये पर मीट्रिक टन उसमें वो आपका रहता है। तो ये हो गया क्योंकि इसमें इसका कवर हो जाता है। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं अभी हम आपका ब्रिक वर्क का, वॉल कंस्ट्रक्शन का, तो जो 9 इंच की वॉल रहती है उसमें 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा लेती है लेबर, लेबर चार्जेस हैं सब, इसको मटेरियल चार्जेस लेके मत चलना, साथ में मटेरियल चार्जेस अलग से हैं इसके, वो भी चाहते हो तो वो भी वीडियो ले आऊंगा। तो अगर 4 इंच की दीवार होगी तो उधर 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका लेबर चार्जेस रहते हैं। इधर से क्लियर हो गया। फिर हम फ्लोरिंग की बात करते हैं, जो हमारी फ्लोर की टाइल होगी नीचे विट्रीफाइड है, ठीक है, जो नीचे टाइल होगी तो उसका जो खर्चा रहता है 13 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा लेती है लेबर, मतलब लगाने का सिर्फ फिक्सिंग का। फिर अगर जो ट्रांसपोर्टेशन भी आती है उसमें ऊपर नीचे माल करना वो भी उसमें आ जाता है। अगर वॉल की टाइल है रेडो है तो 10 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा लेती है लेबर उसको लगाने का, वॉल टाइल को, और टाइल फ्लोर टाइल को 13 से 20 रुपए। अगर मैं बात करूं ब्रिक वर्क का, वुडवर्क का, तो इसमें हमने साल वुड यूज की थी,
तो अगर डोर का बताऊं मैं, अगर जो मेन डोर, फ्रंट डोर, जो बाहर के डोर रहते हैं, 20 से 250 पर फीट आपका खर्चा रहता है, ठीक है। और विंडो का 170 से 200 रुपये पर फीट आपका खर्चा रहता है, लेबर चार्जेस। सिर्फ इसमें क्या आ गया, लेबर चार्जेस, बाकी इसमें मटेरियल चार्जेस अभी जोड़ना बाकी है। फिर हम बात करते हैं जो ग्रिल होती है हमारी, एमएस की ग्रिल लगाना हमारी छत में आ गई या नीचे पौड़ी में आ गई, तो 60 रुपये से 70 रुपये पर फीट के हिसाब से वो लेते हैं, रनिंग फीट रहता है, तो उसमें हमारा इतना कवर हो जाता है सिर्फ लेबर चार्जेस। अगर मैं बात करूं पेंटिंग की, तो पेंटिंग में क्या रहता है, पेंटिंग के लेबर चार्जेस क्या रहते हैं, तो पेंटिंग के लेबर चार्जेस रहेंगे आपके एक्सटीरियर अगर पेंट करना है, 6 से 8 रुपये आपका पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से पेंटिंग चार्ज रहेंगे, उसमें सब लेयर आ गई, उसमें कंप्लीट वो करके देंगे, लेबर चार्जेस हो गए। इंटीरियर में बात करते हैं अगर हम, तो 5 से 8 रुपया पर स्क्वेयर फीट आपको खर्चा पड़ सकता है। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो कि आपके मतलब बनाने में कितना खर्चा आने वाला है लेबर का, बाकी आप मटेरियल तो खुद ले रहे हो। बाकी प्लास्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो प्लास्टिंग अगर सीलिंग में प्लास्टर करना है, तो उधर 12 से 15 रुपये पर स्क्वेयर फीट आपका खर्चा पड़ेगा, किसका, लेबर चार्जेस कितने पड़ेंगे, 12 से 15 रुपये। अगर इंटरनल प्लास्टर है तो 20 से 25 रुपये पर स्क्वेयर फीट, अगर एक्सटर्नल है तो 25 रुपये पर स्क्वेयर फीट आपका खर्चा पड़ने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का जो काम रहता है, उसमें लेबर चार्जेस कैसे पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल का अगर काम रहेगा तो उसमें 130 से लेकर 150 रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल का खर्चा पड़ता है, और प्लम्बिंग का अगर हम बात करें तो 120 से 150 रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है, अगर पाइपिंग का बात करें। तो ये बेसिक आपके लिए थंब रूल था कि जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपका पर स्क्वेयर फीट लेबर के हिसाब से कितना पड़ेगा या पर क्यूबिक फीट, कोई भी काम होगा आपको लेबर का रेट इधर मिल गया, मतलब लेबर का चार्ज इतने से इतना आपका पड़ने वाला है। फिर आपको इसमें जोड़ना है मटेरियल का, तो आप टोटल कॉस्ट वैसे निकाल लोगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस घर को बनाने के लिए हमने कितना लिया था, 1400 रुपया पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से लिया था, हमारा 1000 स्क्वेयर फीट का था, तो हमने 1400 मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14 लाख आया। वैसे ड्यूप्लेक्स घर था, 3 BHK था, तो एलिवेशन को साथ में इंक्लूड करके हमारा 2.5 लाख मतलब 28 लाख रुपया खर्चा आने वाला है उस पे। टोटल कितना, 28 लाख रुपया हमारा खर्चा आएगा। वैसे ही आपका अगर 2000 स्क्वेयर फीट का घर है या 3000 स्क्वेयर फीट का घर है, 4 है, जितना भी स्क्वेयर फीट का घर है, आपको टोटल क्या करना है, देखो जैसे मैंने कल की वीडियो में रेट बताया था 1200 से 1400 रुपया कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, आपने अपने एरिया में पता कर लेना है एक दो घर में कि क्या कंस्ट्रक्शन का खर्चा चल रहा है। तो आपका अगर 20 बाय 30 फीट का घर है तो कितना, 600 स्क्वेयर फीट हो गया, तो 600 को मल्टीप्लाई कर देना, आपके एरिया में चल रहा है कि हमारा 1200 रुपया पर स्क्वेयर फीट चल रहा है, तो आपका जितने निकल आएगा कि आपका कितना पैसा लगने वाला है घर बनाने में। अगर हम खुद की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर को मैं छोड़ दूं कि कॉन्ट्रैक्टर हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो वही 600 रुपया का आपका 1000 रुपया मतलब 200 रुपये डायरेक्ट कम हो जाएगा, तो आपका मतलब अप्रॉक्स 6 लाख रुपया खर्चा आएगा घर बनाने में। मतलब इजिली हम इससे एस्टीमेट कर सकते हैं, एक्चुअल तो नहीं निकलेगा लेकिन एस्टीमेट कर सकते हैं कि आपको आपके इतने स्क्वेयर फीट का घर है, आपको इतना खर्चा उसको बनाने में आने वाला है। मतलब आपको मैंने थंब रूल बता दिया कि आपका लेबर का खर्चा कितने आने वाला है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा कि अगर हमें फ्लोर प्लान या घर बनाना है, इंजीनियर वर्सेस आर्किटेक्ट, किस में से कौन सा सही है, किस में कम खर्चा पड़ेगा, और भी बेसिक चीजें उस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं जो घर की आपको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, तो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर कराएगी, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देगी, तो इस वीडियोज में आपको काफी नॉलेज मिलता है। थैंक यू गाइस, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।